सो हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ये साइंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ जो कि आरओएआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। एक मिनट, ठीक है। तो इसका आंसर है क्वार्क। अगला है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को क्या मिलाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है तब स्टील बनती है। अगला, नाभिक के आकार की कोटी निम्नलिखित क्या होती है, मतलब द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो 1×10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए। अगला, उपरोक्त में से कौन कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। इनमें से कौन विषाणु जनजाति रोग नहीं है। तो इसका आंसर है श्रय रोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, टीबी उसका बैक्टीरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा से बनता है। तो डी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित क्या युक्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज डिवाइस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसका आंसर है डायनमो। ताप के निम्नलिखित में से कौन पैनामे में ऋणात्मक मान नहीं होता। स्केल टेम्परेचर ऑफ डज नॉट हैव निगेटिव वैल्यू। तो वो तो कैल्विन में निगेटिव नहीं होता है। अगला है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतित ऊर्जाओं को अनुपात 4.9 है। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है, क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। हीट तो टेम्परेचर की होती है। क्लोरीन, आर्ग और जूल, ये सारी ही ऊष्मा यानी हीट की एनर्जी की वो होती है एसआई यूनिट, ठीक है, और हीट की या एनर्जी की, लेकिन टेम्परेचर की सेंटीग्रेड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। तो ब्यूटाक्लोर, यहाँ पे क्या कह रहा है, हर्बिसाइड। तो उसको इनमें से कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निमिकृत नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है पीवीसी। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। पीवीसी। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व डेंसिटी किस चीज़ का नापने के लिए यूज होता है। रिंगलमैन तो वो धुआं है, ठीक है, पॉल्यूशन जब होता है तो धुआं के कारण जब पॉल्यूशन होता है तो स्मोक यानी धुआं को नापने के लिए किया जाता है। कौन सा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन के विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए डी ई के, ठीक है। ये विटामिन जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा है, तो वो हो जाएगा बी, क्योंकि ए और डी तो विटामिन इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए। ADEK ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जो बचे हुए वो वाटर सॉल्युबल हो गए, यहाँ पे बी जो हो जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि ए और डी तो फैट सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद पूछ रहा है, डॉब्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यूनिट से क्या होता है, तो ओजोन कंसेंट्रेशन, ओजोन कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो डॉब्सन ओजोन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे विटामिन है और उसका क्या नाम है आपको बताना है, ठीक है।
क्या है इनमें से, क्या है देखो, पेप्सिन दिया हुआ है, कैरोटीन, केराटीन और प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन तो एक हार्मोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, हार्मोन है। इनमें से विटामिन कौन सी है, तो केराटिन, कैरोटिन, ये कैरोटिन, सॉरी सी से होगा, कैरोटीन। तो ये क्या है, एक तरीके की विटामिन है। एंजाइम इनमें से कौन सा है, पेप्सिन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो अल्यूमिनियम अलॉय है इसका, बॉक्साइट, कॉपर, चिनाबार, ये गलत है, ठीक है, जिंक, कैलामाइन और आयरन, हेमाटाइट। तो ये आपको अलॉयज याद करने होंगे। सी ग्रास इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आयोडीन। अगला है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से क्या ज़रूरी नहीं है, तो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, CO2 इज रिक्वायर्ड, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल आर रिक्वायर्ड, सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस हो रही होती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो भी यहाँ पे पिचर प्लांट के आगे हाइड्रोफाइट दिया हुआ है, हाइड्रोफाइट मतलब पानी में रहने वाला जो भी प्लांट होता है, इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी में रहने वाला नहीं है इसलिए गलत है, बाकी सारे जो है वो सही है, आप एक बार देख सकते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन नहीं है, सॉरी है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कमी से क्या होता है, ठीक है, तो विटामिन डी से सुखंडी, सी से मसूड़ों में खून आना, ए से गठिया, नहीं, आइज वीक होती है, आइज वीक, विजन लॉस होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी, ठीक है, डी से रिकेट्स, डी सी से रिंगम, गाउट से ए से नहीं होता है, और बी वन से बेरी बेरी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो क्लोरोमाइसेटिन, यहाँ से देख लेते हैं, एंटी टाइफाइड, क्लिस्टर वायलेट, एंटीसेप्टिक, क्विनाइन, क्या एंटी मलेरियल, ठीक है, क्विनाइन से रिलेटेड दवाइयाँ दी जा रही थी कोरोना के टाइम पे, क्यों, एंटी मलेरियल जो दवाई थी वो कोरोना के टाइम पे दी जा रही थी। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज अ काइंड ऑफ ब्लड थिनर, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक करता है क्या प्रोटीन को अमीनो एसिड में, क्या कन्वर्ट करता है, तो पेप्सिन है, ठीक है। तो ये सीरीज़ को हम जारी रखेंगे और आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, आपको इस सीरीज़ के साथ बने रहना है। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ईजिली सारा कंटेंट की जगह पे अवेलेबल है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारी PDFs ले सकते हैं। और इस बार RO में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें से एक वैकेंसी आप अपने नाम कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो भी हमने प्रीवियस सीरीज़ कराई हैं आप उनको भी देख सकते हैं, और UP करंट की PDFs देख सकते हैं, साथ ही UP स्टैटिक GK ऐसी करके जो भी सीरीज़ हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, थैंक यू। ठीक है, हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं ना, ठीक है, हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन है, और यहाँ पे प्रोटीन कौन सा है, वो केराटिन है, केराटिन, ये कैरोटीन हो जाएगा, ये केराटिन हो जाएगा, तो केराटिन क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन केराटिन हो जाएगा, एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है, और हार्मोन ये वाला है। निम्नलिखित में से एक कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, साइटोकॉनिन, देखो इंसुलिन, थायरोक्सिन और ऑस्ट्रोजन तो हमारी बॉडी में होता है, बचा साइटोकिनिन, तो वो है एक तरीके का प्लांट हार्मोन। प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, प्लांट पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो पहले नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे होती है, नाइट्रिफिकेशन होता है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, और फिर नाइट्रेट को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मुख्य मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कवर्ड फॉर प्राइस कंट्रोल अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ द गवर्नमेंट? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंदर पोटैटो यानी आलू आता है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन? तो इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन। क्या हो जाएगा? इथिलीन। सीरीज आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको इस सीरीज को फॉलो करते रहना है ताकि एग्जाम में अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए। इसलिए चैनल के साथ बने रहे, इससे पहले जो भी प्रीवियस हम वीडियोस डाल चुके हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 1.1 1.5 के एक्स स्पीड में आप उनको देख सकते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कि हमने अपने चैनल पे कराया है वो आपका गलत नहीं हो। साथ ही साथ अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।